Hello dear students, today we are taking the topic from 11th standard political science, constitution, why and how. Simple question I want to ask you, is there any rule regulation at your home? आपके घरों में rule regulation है? आपके parents ने कुछ जिसको आप लोग कहते हैं restriction है, पाबंदियां हैं, असूल है, कुछ रखे हुए हैं? Why? किस लिए, क्यों, क्या, is there any rule regulation on the roads when you are moving on the road or in your school or in all the organization, why are these rules? This we will discuss in today's topic. Okay, constitution, why and how, क्यों और कैसे, ये rule regulation, set of rule regulation is constitution. Okay, to run the country there is a set of rule regulation, how the government will be framed and what will be the functions of the government, how that government will be constituted and what is the relation amongst the different departments, organs of the government and between the common people and the government, each and everything defined in the constitution. And why and how, this we are going to discuss in today's topic. Okay, the very first, why do we need the constitution? हमें ज़रूरत क्या है constitution की? Is there any need? Country चल सकते हैं constitution के बिना, rule regulation के बिना? Simple thing I am asking you. Is it possible? What do you think? Send me your comment in comment section. Rule regulation ही ना कोई हो, ऐसे ही घर चले, पेरेंट्स कहे जितने मर्जी आओ, जितने मर्जी जाओ, जहां मर्जी बच्चे घूमे, जो मन करता है वो खाए, नहीं पढ़ना ना पढ़े, आपकी मर्जी है, तो क्या होगा लाइफ? बच्चे तो समझदार नहीं है. इसी तरह से मोस्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ अ कंट्री आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. दे एंजॉय देयर राइट्स बट दे डोंट वॉन्ट टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज. ओके, दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन आर देयर. सो बिफोर we discuss in detail, let's discuss the main points in your book, main function. Okay, which tell the main function, kya kaam kya kar raha hai constitution hamara, jiske liye hame zarurat hai constitution ki. The very first one which is in your book, constitution allows coordination and assurance. Ek bahut bada group hai, maan lo bachche, theek hai, बहुत बड़ा, मोर देन 500 पीपल है या मोर देन 100 है वहां पे, और वो जो है आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है, प्यार से, कोऑर्डिनेशन से, तालमेल से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने हेड पे विश्वास है. कैसे हेड पे विश्वास होता है? क्योंकि हेड ने रूल रेगुलेशन जो है उनको बताए हुए, दिस इज द रूल एंड रेगुलेशन टू परफॉर्म इन अ ग्रुप. अगर ये कोई काम करेगा तो कोई भी हो चाहे उसको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी. ओके, सिमिलरली इन अ कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आर लिविंग इन अ कंट्री. ऑल दोज पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, रीजन, कास्ट, सो मेनी वराइटीज एंड डाइवर्सिटी इज देयर. कंट्री में कितनी डाइवर्सिटी है, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री, बट हम लोग कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं. ओके, ट्रस्ट है, एश्योरेंस है. व्हाई इज दिस? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मीन सुप्रीम लॉ है, रूल ऑफ लॉ है. कोई भी कुछ भी गलत करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी. ओके, कोई भी कुछ भी सही मिलेगा तो उसको रिगार्ड उसका मिलेगा. ओके, कोई भी मेहनत करेगा तो उसको अपॉर्चुनिटी के साथ साथ वो मेहनत करता हुआ फ्लरिश करेगा. दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस टू ऑल द सिटीजन. एक विश्वास दिलाता है यही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा. सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउज फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट द मेंबर ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी में ऐसे नहीं लगता, समाज में इकट्ठे, कि हम जबरदस्ती रह रहे हैं, निभा रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि और कोई है ही नहीं, मजबूरी है, नॉट एट ऑल. हैप्पीली लिविंग इन अ सोसाइटी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो, ऑल वॉन्ट्स टू कोऑर्डिनेट.
ओके विद ईच अदर. हमने देखा ही है हमारी इंडियन सोसाइटी में कितनी डाइवर्सिटी है. व्हेन देयर इज प्रॉब्लम, हर कास्ट रिलीजन रीजन के लोग जो है किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट और किस तरह से एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज द कोऑर्डिनेशन जो कॉमन पीपल को एक कोऑर्डिनेशन की फीलिंग लेके आता है, तालमेल की, मिलजुल के अश्योरेंस विश्वास दिलाता है. इसके अकॉर्डिंगली ना कोई गलत कर सकता है और ना ही कोई दबदबा रोक डाल सकता है अपना. ठीक है, एवरीवन इज इक्वल. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर. स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन, अब सेकेंड आगे हम लोग, बेटा कौन सा क्या डिसीजन लेगा. ओके, कोई भी गवर्नमेंट बनती है, इलेक्ट हो गई है, चाहे डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी है, कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई है, दैट इज नॉट क्या डिक्टेटर. वो 5 साल के लिए तानाशाह नहीं है, जो भी कुछ करे जैसे मर्जी करे. डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही है. ओके, लोगों के फंडामेंटल राइट नहीं छीनने हैं. इसी तरह से हमारी जुडिशरी है, वो भी आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं ले सकती अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये स्पेसिफिकेशन जो है डिसीजन मेकिंग पावर का, कितना डिसीजन किसने कैसे लेना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही अश्योर करता है. अर्लियर जैसे रशिया में सिंगल पार्टी, सोवियत यूनियन में सिंगल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, हमारे नेबरिंग कंट्री चाइना में सिंगल ही पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी, सुप्रीम अथॉरिटी उन्हीं के पास है, जैसे मर्जी जो मर्जी डिसीजन ले. बट इन डेमोक्रेटिक कंट्री दिस इज नॉट. ओके, ये नहीं है. ऑल द डिसीजन आर टेकन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्पेसिफाई करता है डिसीजन मेकिंग पावर किनके पास कितनी है. सुप्रीम अथॉरिटी जो है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन एलोकेट द पावर्स. ये डिवाइड करता है पावर, डिसाइड करता है किसके पास कितनी है और कैसे डिसीजन रहने हैं. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लॉ के अंदर रह के डिसीजन मेकिंग पावर, दिस इज द कॉल्ड द स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग. सो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया. फर्स्ट फंक्शन क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ अ मिनिमम कोऑर्डिनेशन, मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट द मेंबर ऑफ द सोसाइटी. देन सेकेंड फंक्शन है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन, हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, गवर्नमेंट कैसे बनेगी और जो गवर्नमेंट बन गई है कितने डिसीजन, कैसे डिसीजन लेगी, कैसे रूल करेगी. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बड़ा फंक्शन है, काम है, पावर है, जो गवर्नमेंट को भी लिमिट करती है. ओके, मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस फंक्शन कि कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई है, कोई ये ना तानाशाही डिक्टेटरशिप ना बन जाए, जैसे मर्जी जो मर्जी करे. कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर टू लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. हमारी सुप्रीम कोर्ट है गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने के लिए. ओके, सो ऑलवेज देयर इज, जैसे फॉर्मल लॉ गवर्नमेंट लेके आई तो सुप्रीम कोर्ट चेक रख रही है कि आर दीज लॉज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली तो वापस लिए जाए. अब COVID-19 के क्राइसिस में ग्रिम सिचुएशन हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट चेक रख रही है और बार बार गवर्नमेंट्स को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कि कॉमन पीपल की वेलफेयर के लिए वैक्सीनेशन और वेलफेयर उनकी जितनी भी है, क्योंकि पूरा कॉमन सिटीजन की सेफ्टी के लिए स्टेप उठाए जल्दी से जल्दी. ये नहीं है गवर्नमेंट बन गई है तो भूल जाए. आई एम द पावर, आई हैव द पावरफुल एंड आई हैव द अथॉरिटी, मैं जैसे मर्जी जिस तरह से मर्जी यूज करूं, नोबडी कैन क्वेश्चन मी. देयर इज अ क्वेश्चन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चनिंग करता है कि आपको पावर मिली, आपने कैसे यूज की और किस तरह से कर रहे हो और क्यों कर रहे हो. ओके, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हम लोग भी रिट दायर कर सकते हैं इस पे. द
देन नेक्स्ट है थर्ड हमारा फंक्शन हो गया लिमिटेशन के ऊपर. अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन. कॉन्स्टिट्यूशन ये भी लिमिट है, कल को कोई भी गवर्नमेंट बने हमारे फंडामेंटल राइट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेक करता है कि कॉमन पीपल के फंडामेंटल राइट जो बेसिक राइट है वो उनसे ना छीने जाए विदाउट एनी रीजन विदाउट एनी लॉजिक, बिना किसी बात के कॉमन पीपल को परेशान ना किया जाए. सो कॉन्स्टिट्यूशन का ये बहुत बड़ा फंक्शन है. अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन. दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट नीड नेवर ट्रेसपास देम. गवर्नमेंट अपनी लिमिट क्रॉस ना करे, जिस हद में रह के उसको काम करना है उसी लिमिट में रह के गवर्नमेंट काम करे. कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स को क्रॉस करके, लॉ की लिमिट्स को क्रॉस करके गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कॉमन पीपल के फंडामेंटल राइट, कॉमन पीपल के ऊपर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए. अब जैसे हमारे ऊपर इन COVID-19 पीरियड में रिस्ट्रिक्शन लगा दी है मूवमेंट ऑफ द पीपल, कॉमन पीपल मूव नहीं करेंगे या लॉकडाउन है, दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द फॉर द सेफ्टी ऑफ द कॉमन पीपल. हम लोग इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है फ्रीडम टू मूव. ओके, द गवर्नमेंट कैन पुट रिस्ट्रिक्शन फॉर द सेफ्टी ऑफ कॉमन पीपल. इसको हम किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते. ये रिस्ट्रिक्शन ऐसे रिस्ट्रिक्शन जो रीजनेबल है फॉर द सेफ्टी ऑफ कॉमन पीपल है, ऐसे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है गवर्नमेंट अनरीजनेबल अनलॉफुल. ओके, बिना किसी कह लो प्रूफ के सॉलिड और डाउट के बेस पे किसी को नहीं परेशान कर सकती या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती. देन मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट वन, एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी की बहुत आकांक्षाएं और इच्छाएं होती हैं. जब हम लोग व्हेन वी वर स्लेव अंडर ब्रिटिश रूल हमारी बहुत सी एस्पिरेशन थी. थिंक अबाउट, इमेजिन अबाउट दैट पीरियड, क्योंकि हमारे ही ग्रैंडफादर्स जो हैं और फोर फादर्स जो हैं से आप यू आर लिटिल बेबीज हो ना, हमारे ही पूर्वजों ने ये लड़ी है फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट. तो उनकी कैसी एस्पिरेशन सोसाइटी जहाँ पे इक्वालिटी हो, रिस्पेक्ट हो, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट और इंसल्ट करते थे. ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक एस्पिरेशन, एक आशा, एक इच्छा, एक आकांक्षा होती है कॉमन पीपल की, जिससे उसको उम्मीद होती है कि कोई उससे बेइंसाफी नहीं, इनजस्टिस नहीं कर पाएगा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी मेंटेन रहेगी. ओके, सो फिफ्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी. एक न्यायपूर्ण, एक वेलफेयर सोसाइटी की जो भी कंडीशन जरूरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखे. ठीक है बेटा, सो कॉन्स्टिट्यूशन कॉमन पीपल के एस्पिरेशन तो है ही है, बट गवर्नमेंट को भी ऐसे गाइड करता है कि एक वेलफेयर और जस्ट सोसाइटी, फुल ऑफ जस्टिस जिसको हम लोग कह रहे, ऐसी सोसाइटी बने. ओके, देन नेक्स्ट है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल नहीं छीनता है. वी आर इंडियन, वी आर इंडियन सिटीजन. ओके, वी आर वन एंड वी हैव वन सिटीजनशिप, दैट इज इंडिया. बट हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है, हमारी कास्ट, हमारे रिलीजन, हमारी लैंग्वेज, हमारी कल्चर, हमारी ट्रेडिशन, सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रिजर्व करो, प्रोपोगेट करो और प्रोफेस बिलीव एंड प्रोपोगेट. ओके, आप अपनी कल्चर को, ट्रेडिशन को मेंटेन करो, प्रिजर्व करो और उसको आगे बढ़ाओ. ये हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी हमसे नहीं छीनता, हमारी इंडियन सिटीजन की. वी आर इंडियन, चाहे वही हम लोग किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में, हमारी आइडेंटिटी कोई नहीं छीन सकता. ओके, कोई भी हेड आ जाए, मिनिस्टर आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो हमारी आइडेंटिटी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं. ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की है.
देन नेक्स्ट है अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, अगर आप डॉक्यूमेंट मांगो तो वी डोंट हैव. द पीपल ऑफ इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, पीपल ऑफ यूनाइटेड किंगडम, दे डोंट हैव अ सिंगल डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान एंड अदर कंट्रीज है. बाकी सबकी तो एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, लॉ की है, जब भी हम मांगे हमें मिल जाती है. बट यूनाइटेड किंगडम की, इंग्लैंड की एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, दैट इज सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट. सीरीज मतलब ये स्लोली स्लोली खुद इवेल्युएशन में, प्रगति में आता गया, डायनेमिक चेंज होता गया. अपने आप ही मोनार्की जो है वहां पे किंग का रूल था, ठीक है, पावरफुल अथॉरिटी थी, सुप्रीम पावर थी किंग के पास. बट स्लोली स्टैडली किंग अपने आप ही अपनी पावर्स छोड़ता गया और पार्लियामेंट को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पावर मिलती गई. दैट्स व्हाई 1688 को जब मोनार्क ने, राजा ने खुद पावर अपनी जो थी छोड़नी शुरू की, उसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन, शानदार क्रांति, क्योंकि विदाउट एनी ब्लडशेड, बिना किसी खून खराबे के ये सब कुछ शांति, पीसफुली और हैप्पीली मोनार्क ने अपनी पावर दी. ये बेस्ट चीज. यूनाइटेड किंगडम का कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, सिंगल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई बुक नहीं है, ये इवेल्युएशन, ठीक है, अपने आप ही प्रगति में जैसे जैसे डॉक्यूमेंट बनते गए कि ये गलत है, ये ठीक है, लोग उसको एक्सेप्ट करते गए, गलत चीज को छोड़ते गए. दिस इज क्वाइट गुड, बहुत अच्छी बात है. बट इसमें बहुत ज्यादा समझदारी चाहिए कि कॉमन पीपल कंसेंट में रहे. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, साउथ अफ्रीका का, आपको साउथ अफ्रीका में पता है अपार्थेड थी, जिसको हम लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रंग भेद, कलर भेद, जिसको हम लोग पॉलिसी कहते हैं, कलर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करते थे ब्रिटिशर्स एंड दे कॉल्ड देम ब्लैक पीपल. इंडियन को कलर्ड पीपल कहा जाता था. काफी स्ट्रगल के बाद उन्होंने बनाया है एक कंसेंट के बाद कि व्हाइट के पास ये राइट है, ब्लैक के पास कोई भी, दोनों के नेशनल एंथम चलेंगे, किस तरह से वो चले हैं उनकी एक बुक है. बट इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग स्ट्रगल मूवमेंट के बाद, हमारा 1946 में, दिसंबर 1946 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया था, नवंबर 1949 में जाके हमारा कंप्लीट हुआ. मोर देन 2 ईयर लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, और हमने पूरा एक्सपीरियंस फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में और पूरे वर्ल्ड के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, ठीक है बेटा. सो ये जो है अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हम मांग सकते हैं बाकियों से नहीं. देन नेक्स्ट है मोड ऑफ प्रोमोलगेशन, ठीक है. ये जो है साउथ अफ्रीका और इंडिया का, आई हैव टोल्ड यू, ये स्ट्रगल का है कॉन्स्टिट्यूशन. इन प्रीवियस पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड दिस पॉइंट ऑल्सो कि हमारा इंडिया का और साउथ अफ्रीका का लॉन्ग स्ट्रगल का कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल के साथ और बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्कशन, डिबेट के साथ, बहुत से कॉमन पीपल की, एक सिंगल ने नहीं बैठ के सारा लिख दिया. जैसे कि डिक्टेटर होते हैं, नॉर्थ कोरिया का किम जोंग हो गया, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का हो गया, या अरेबियन कंट्री के कितने ही डिक्टेटर हैं, ऐसे नहीं है. अफ्रीका, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, ये ऐसे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जो लॉन्ग डेलिब्रेशन, ठीक है, डिस्कशन के बाद, डिबेट के बाद, लॉन्ग स्ट्रगल के बाद बने और वर्ल्ड के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन की बेस्ट थिंग हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखी और इसको सालों साल लग गए बनने, ठीक है, मोर देन 2 ईयर. और अफ्रीका का भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही. देन नेक्स्ट है द सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी प्रोविजन जो कॉमन पीपल की वेलफेयर के लिए, जो कॉमन पीपल में एक ट्रस्ट बिल्ड करती हैं, कॉमन पीपल को साथ लेके चलने में विश्वास करती हैं और कॉमन पीपल को ही डेडिकेटेड हैं, ये है कॉन्स्टिट्यूशन. और वर्ल्ड के कितने ही बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं
जो कॉमन पीपल को सुप्रीम अथॉरिटी देते हैं डिक्टेटरशिप को छोड़ के, फ्रीडम उनके जितने भी फंडामेंटल राइट है वो प्रिजर्व करते हैं, स्पेशली फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, वो प्रेसिडेंट है या हाई अथॉरिटी का कोई भी, ओके, या कोई भी ऑफिशियल हो, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। लॉ का रूल है कुछ भी कोई भी कहीं भी गलत करता है उसको उसके अकॉर्डिंगली पनिशमेंट मिलेगी, ये नहीं है वो हाई लेवल की अथॉरिटी है, इक्वलिटी प्रिजर्व की गई है और यही अश्योरेंस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है। देन मूविंग टू द बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, सारे इंस्टीट्यूशन जो है, ऑर्गन जो है गवर्नमेंट के, वो बैलेंस्ड है, ना किसी के पास कम पावर है ना किसी के पास ज्यादा है। जैसे कि थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, ओके, थ्री ऑर्गन्स है ना गवर्नमेंट के, वेयर शुड आई राइट, इज देयर एनी स्पेस, ओके, जैसे कि लेजिस्लेचर, आई विल मेंशन हियर, लेजिस्लेचर है, ओके, देन सेकंड ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, देन द थर्ड वन इज जुडिशियरी, थ्री ऑर्गन है, ओके, ये थ्री ऑर्गन्स जो हैं बेटा ये इक्वल है, चेक्स एंड बैलेंस, लेजिस्लेचर हमारी पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, जुडिशरी सारी की सारी कोर्ट्स, ओके, ये सारी की सारी कोर्ट्स, ये सारे के सारे चेक्स एंड बैलेंस, एक दूसरे की पावर को चेक करते रहते हैं और पावर का बैलेंस रहता है, जैसे बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशन कहा गया ना, हर एक इंस्टीट्यूशन में बैलेंस रहा है। लेजिस्लेचर यानी कि जितने भी एमपी या एमएलए हमारे एक बार इलेक्ट हो गए, ये ना सोचे हम पांच साल के लिए बादशाह बन गए, जिसको मर्जी जैसे मर्जी कुचल दे, तानाशाह हम लोग है, नहीं, उनकी पावर को चेक करने के लिए जुडिशरी है, कोर्ट में हम चैलेंज कर सकते हैं, ओके, इसी तरह से एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स जो है कौन क्या काम कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग, कितने इफेक्टिव क्या इफेक्टिव, उनको क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट में, क्वेश्चन आपने देखा ना आपने बेटा, पार्लियामेंट में उनको आंसर देना पड़ता है, अगर पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट कोलैप्स, खत्म, नो कॉन्फिडेंस, ये चेक कर दे। इसी तरह से लेजिस्लेचर और जुडिशरी की, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को चेक करते हैं कि जितने भी जजेस हैं लॉ के अकॉर्डिंगली काम करें, कोई किसी से रिश्वत या कोई अपनी अथॉरिटी को मिस यूज नहीं, तो वो भी इम्पीचमेंट लॉ, इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं लेजिस्लेचर में, इसको कहते हैं बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, ओके, सारी की सारी जितनी भी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है उनमें बैलेंस हो, प्रॉपर बैलेंस है, कोई भी सुप्रीम पावरफुल ना अपने आप को समझे या कोई भी मिसयूज ना करे पावर को, चेक्स एंड बैलेंसेस ये चलता रहे। गेटिंग माय थिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक, एंड टुडे आई हैव टेकन द वेरी फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस, एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, ओके, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, ओके, आई विल अपलोड द सेकेंड पार्ट वेरी सून, सो दैट्स ऑल फ्रॉम योर आराधना मैम, बट बिफोर लिविंग आई वॉन्ट टू सेम थिंग आई वॉन्ट टू रिपीट, प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल टू ऑल। बिफोर लिविंग आई वॉन्ट टू रिमाइंड वन थिंग मोर, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सेंड मी योर प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, दैट्स ऑल फ्रॉम योर आराधना मैम।